हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, या फिर हम बोल सकते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ये एमएससी केमिस्ट्री में भी बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है, और ये नेट के और जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर करें। तो इसलिए मैं आपको ईजी से ईजी वे में करवाने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, या फिर हम बोल सकते हैं पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री है, तो हमारी पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री आखिर है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और ये कितने टाइप की होती है, और उन टाइप के बारे में थोड़ा बहुत आज हम हिंट लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम स्पेशल उनके टाइप्स पे बनाएंगे और बिल्कुल ईजिली डिटेल में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही रहेगा कि हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होती है, कैसे होती है, और इसके कितने टाइप्स होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेरीसाइक्लिक। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या है? पेरीसाइक्लिक इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, किस किस का, पेरी प्लस साइक्लिक, दो वर्ड का कम्बिनेशन है। और जो हमारी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है वो क्या डिफाइन करती है, वो डिफाइन करती है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग है साइक्लिक के अराउंड, जैसे कोई साइकिल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, कैसे शिफ्ट होते हैं वन बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पर, या फिर कैसे क्या रोटेट करते हैं, वो सब कुछ हमारी क्या बताती है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बताती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूं कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं फोर प्लस टू एडिशन। फोर प्लस टू एडिशन लेंगे तो इसके अंदर अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कैसे कैसे है। तो यहां से जो ये हमारा बॉन्ड है वो यहां पर मूव करेगा, और ये यहां पर, और जो ये डबल बॉन्ड है यहां पर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये बॉन्ड यहां पर अटैच, और ये बॉन्ड यहाँ पर गया तो ये, तो ये क्या हमारी, हम इसको फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, डाइएल्डर रिएक्शन, डाइल्स एल्डर रिएक्शन। तो इसको हम डाइएल्डर्स रिएक्शन भी बोलते हैं, और फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, एग्जांपल ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, या फिर चलो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हमारा क्या काम करती है, रिंग क्लोजर या फिर रिंग ओपनिंग का भी काम करती है। तो इसकी हम करवाएंगे तो यहां से क्या होगा, ये हमारा बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड हमारा यहां शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड हमारा क्या बना लेगा, नया सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी, क्लोजर रिंग की फॉर्मेशन होगी। तो ये बॉन्ड हमारा कहां पर, ये यहां पर और यहां पर, और इससे रिंग क्लोजर की भी फॉर्मेशन होती है, और अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमारी कौन सी बन जाएगी, रिंग ओपनिंग। तो ये हमारी क्या है, रिंग ओपनिंग, और ये हमारी क्या है, रिंग क्लोजर। तो ये क्या थे हमारे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स, एक हमारा एग्जांपल ये है, तो अब हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का, ये क्या है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो ये क्या होती है, हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। सेकंड स्टेप क्या है हमारा इसका, नो इंटरमीडिएट
फॉरवर्ड। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है इसका पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे किसकी प्रेजेंस में होती है, प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट। हीट को हम किससे डिनोट करते हैं, थर्मली, एंड लाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, एच म्यू से। और ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, कंसंट्रेटेड रिएक्शंस। ये क्या कहलाती है हमारी, कंसंट्रेटेड रिएक्शंस। कंसंट्रेटेड रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि ये किस में हो जाती है, ये किस में हो जाती है, वन स्टेप में। मीन्स बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड बनाती हैं या फिर बॉन्ड को ब्रेक करती हैं वो कॉन्टिन्यूली किसके अंदर करती है, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। ये कहना चाहता है कि कंसंट्रेटेड रिएक्शन है, क्यों है, क्योंकि ये एक स्टेप में हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी होती है या फिर बॉन्ड ब्रेक होना होता है वो किसके अंदर कॉन्टिन्यू होता रहता है, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। तो ये हमारी क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। और ये क्या है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एक पॉइंट हमारा और भी है, वो हमारा पॉइंट क्या है, ये रिएक्शंस क्या होते हैं, हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। चल मैं लिख ही देती हूँ, दीज रिएक्शंस आर हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। तो ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। तो ये क्या है इसके बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है, या फिर हम बोल सकते हैं उसके कितने टाइप है, कितनी क्लासिफाइड की गई है वो। तो हम इसके टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यह फोर टाइप की होती है। तो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो फोर टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। सेकंड हमारी क्या होती है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और थर्ड हमारी क्या होती है, सिग्मा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ हमारी क्या होती है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डीपली हम किसके अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो हम किसके ऊपर बनाएंगे, स्पेशल टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो हमारी ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इसके अंदर क्या होता है, वन पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है किसके अंदर, वन सिग्मा बॉन्ड के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं रिंग ओपनिंग एंड रिंग क्लोजिंग। तो हम इसके एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया तो इसके अंदर हमारा ये बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर, और ये बॉन्ड ब्रेक होके कहाँ पर जाएगा, यहाँ, और जो हमारा ये बॉन्ड है ब्रेक होके कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, दिस प्लस दैट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, ये तो इसके अंदर बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, इसके अंदर जो हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होकर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, दो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। फिर नेक्स्ट हम अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया किसका, रिंग क्लोजिंग, रिंग ओपनिंग का। ये हमारे किसके थे, रिंग क्लोजिंग के, क्योंकि रिंग क्लोज से क्या हो रही थी, रिंग ओपन। अब हम उल्टा इसका रिवर्स एग्जांपल लेते हैं, रिंग ओपन, तो इससे
रिंग क्लोजिंग की कैसे फॉर्मेशन होगी, जो हमारा ये बॉन्ड है ये कहाँ पर मूव करेगा, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड, और ये कहाँ पर मूव करेगा आगे, और ये शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट। तो ये हमारी क्या थी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो नेक्स्ट टाइप क्या है हमारी, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, टू या मोर अनसेचुरेटेड कंपाउंड मिलकर हमें क्या देते हैं, एक साइक्लिक की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कितने टाइप की होती है, ये टू टाइप की होती है, टू प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और दूसरी कौन सी होती है हमारी, फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये हमारी दो टाइप की होती है। तो अब दोनों टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। टू प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमारी कौन सी होती है, जैसे यहां से क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहां पर जाएगा, और ये ब्रेक होकर कहां पर आएगा, यहां पर। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, दो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये हमारी क्या है, टू प्लस टू साइक्लो एडिशन। या फिर हम इसको रिवर्स भी ले सकते हैं, अगर हम इसको रिवर्स लेंगे तो यहां पर क्या होगा, जो हमारा ये एक बॉन्ड है कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और ये हमारा बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रिवर्स रिएक्शन टू प्लस टू साइक्लो एडिशन की। अब हम देखते हैं किसकी, फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं, फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये बॉन्ड है ये कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर की साइड, और जो ये हमारा बॉन्ड है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, क्लोजर रिंग की फॉर्मेशन होगी, और जो हमारा ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ था, यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या थी हमारी, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और इसके अंदर जो हमारी ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, डाइल्स एल्डर रिएक्शन, डाइल्स एल्डर रिएक्शन। क्योंकि जो हमारी डाई एल्डर रिएक्शन होती है वो क्या होती है, फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन ही होती है, ठीक है। तो मोस्टली हमारे आगे एग्जांपल्स के अंदर कौन सी रिएक्शन यूज होती है, इसकी ये सेकंड टाइप ही यूज होती है, जो क्या है, फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं डाइएल्डर रिएक्शन। ये बहुत ही कम यूज होती है, ये बहुत ही सिंपल है, तो ये मोस्टली यूज होती है। तो नेक्स्ट हमारी क्या है, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन है पेरिसाइक्लिक के अंदर, वहाँ पर वन सिग्मा बॉन्ड किसके अंदर चेंज हो जाता है, अनदर किसी भी सिग्मा बॉन्ड के अंदर, एक सिग्मा बॉन्ड किसके अंदर चेंज हो जाएगा, अनदर सिग्मा बॉन्ड के अंदर चेंज हो जाएगा, इन एन अनकैटलाइज्ड इंटरमीडिएट रिएक्शन के अंदर। तो वो हमारी क्या होती है, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती है। इसको भी हम बहुत ही अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी क्या है, ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन। ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन के अंदर हमारा क्या होता है, जो एक ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन इज पेरिसाइक्लिक प्रोसेस, जहाँ पर क्या होता है कि एक जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारे सेकंड ग्रुप है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इन सेकंड लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि हमारा कोई भी वन या मोर ग्रुप किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, किसके अंदर, वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल्स के अंदर।
तो ये हमारी क्या है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। तो पेरिसाइक्लिक में इतना ही, आगे हम देखेंगे इनके इनकी टाइप्स को, इलेक्ट्रोसाइक्लिक टाइप, साइक्लोएडिशन, सिग्मा ट्रोपिक एंड ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, इनको हम इजीली डिटेल में पढ़ेंगे। एफएमओ थ्योरी क्या है, पीएमओ थ्योरी क्या है, इनको भी हम अच्छे से रीड आउट करेंगे।